पीएम मोदी ने किया वाराणसी दौरा, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और कन्वेंशन सेंटर रुद्राक्ष का किया उद्घाटन। विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद ने की चीन के विदेश मंत्री से मुलाकात, कहा एक तरफा बदलाव स्वीकार नहीं, एलएसी पर चल रहे तनाव को लेकर भी की गई चर्चा। सीडीएस जनरल विपिन रावत पहुंचे जम्मू कश्मीर, सैन्य अधिकारियों के साथ करेंगे अहम बैठक। केंद्र सरकार ने कर्मचारियों को दिया तोहफा, महंगाई भत्ता 17% से बढ़ाकर 28% किया। बढ़ता जा रहा तालिबानियों का अफगानिस्तान पर कब्जा, 22 निहत्थे अफगानी सैनिकों को मार गिराया। मुस्लिम देश यूएई ने फिलिस्तीन को दिया झटका, इसराइल में खोला अपना दूतावास। टोक्यो ओलंपिक के लिए रवाना हुए भारतीय खिलाड़ी, भारत के 120 खिलाड़ी लेंगे इस बार ओलंपिक में हिस्सा। टीम इंडिया के पूर्व सलामी बल्लेबाज वसीम जाफर को मिली बड़ी जिम्मेदारी, ओडिशा की सीनियर टीम के हेड कोच किए गए नियुक्त। इंफोसिस को पहली तिमाही में 5,195 करोड़ का मुनाफा, 35,000 जॉब देने का किया ऐलान। एआर रहमान का थीम सॉन्ग हिंदुस्तानी वे हुआ रिलीज, ओलंपिक खिलाड़ियों को डेडिकेट किया गया है गाना।